So we are starting the third chapter of Dana, which is titled Nanda, because that is the most prominent sutta in that chapter. So my laptop is misbehaving. Take a minute. I think if you don't use it for a long time, it gets into some naraz ho jata hai. So first is what's called Kamma Vipaka Sutta, and sometimes it is only termed as Kamma Sutta, and some books have termed it Kamma Vipaka Sutta. Actually, in our VRI it is called Kamma Vipaka Sutta. Thanissara is translated it as Kamma Sutta. It's probably some difference, right? But Sutta is the same. So start. एवं ये सुतम एकम समयम भगवा सावत्यम विहरति जेतवने अनाथ पिंडिकस्य आरामे. ये तो अब सबको याद हो गया होगा, वी ऑल रिमेम्बर इट नाउ. तीन खोपन समयेन अन्य तरो भिक्खु भगवतो अविदूरे निसिन्नो होती पलंकम आभुजित्वा अजुम कायम पणिधाय पुराण कम कम विपाकजम दुखम तिब्बम खरम कटुकम वेदनम अधिवा सेंतो सतो संपजानो अभिन्य अभिन्यान मानो. ट्रांसलेशन का ये बहुत मुश्किल है. नहीं है, मुश्किल नहीं है, हमने बहुत बार किया है. तीन खोपन समय तो बहुत बार किया ना. At that time, अन्य तरो भिक्खु भगवान को भगवते अभी दूरे मतलब दूर हुआ अभी दूरे हुआ, ज्यादा दूर नहीं था. अच्छा, कम दूर. निसिन्नो होती निसिन्नो बैठा हुआ था. ठीक है. पलंकम आभुजित, ये भी कई बार सुना होगा सतिपुट्ठान में. पलंकम आभुजित्वा क्रॉस लेग बैठा हुआ था. भुजुम कायम, काया को सीधा रख के पनिधाय, कीपिंग हिज बॉडी इरेक्ट. ठीक है ना. पुराण कम विपाक जम, पुराना मतलब पुराना, कम विपाक मतलब कर्म का विपाक, उससे पुराने कर्म के विपाक से उत्पन्न, अजम होता है ना उत्पन्न जीवित. ठीक है. दुख दुखम तिब्बम तीव्र, ठीक है, तीव्र दुख, खरम बहुत शार्प, कटुकम जो पेनफुल है, वेदनम वेदना हो रही थी उसको, पुराने कर्म से उत्पन्न दुख से वेदना हो रही, दुखी दुखी वेदना, अनप्लेजेंट वेदना, विच वॉज वेरी फियर्स, कटुकम वेदना, अधिवासेन तो उसको सहन कर रहा था. सतो संपजानो, समता में जान रहा था उसको, वॉज माइंडफुल. अभिन्न मानो विदाउट सफरिंग, सी वॉज फीलिंग पेनफुल सेंसेशन इन द बॉडी बिकॉज ऑफ पास्ट कर्म, बट इज नॉट सफरिंग. And he was sitting like close to, not far from the Blessed One. So he must have been sitting in the Jetavana somewhere. So Deepak. Addasa kho bhagva tam bikhum avidure nisinnam. Repeat over here, so Deepak ke liye. Pallanakam abhibhujitva ujum kayam पनिधाय पुराण काम विपाकम दुखम तिब्बम कहम कतुकम वेदनम अभिवासेंतम. सतम संपंजन्यम अविन्या
मानम मेजोरिटी सेशन तो वही है, शुरू वाला पोर्शन। अदस्सा मतलब देखकर, इसको भगवा, भगवान ने उसको देखा कि वो अभी दूर है, निसन्नम, वो बहुत दूर या नज़दीक ही, नॉट फार, वॉज सिटिंग विद हिज लेग्स क्रॉस, बॉडी हेल्ड अरेक्ट एंड एंड्योरिंग, सेम सेम, एंड्योरिंग फियर्स पेन शार्प एंड सीवियर विच वर द रिजल्ट ऑफ ओल्ड कर्मा, एंड ही वॉज नॉट स्ट्रक डाउन बाई दैम, ही वॉज नॉट अफ्रेड, आई मीन लूजिंग हिज इक्वैनिमिटी। तो ये बाघ की वजह से ये कैसे, ये हमें बाघ से तो होता है पेन। नॉट ऑलवेज, नॉट हाँ, अगर दिमाग है, चोट लगी है, तब तो होगा ही, और काफी बिकॉज देर तक होगा, बट द बुद्धा मस्ट हैव फेल्ट दैट इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट। इट इज नॉट मेंटल दिस थिंग, इट्स अ फिजिकल दिस थिंग, है ना। या फिजिकल पेन इज हैपनिंग, बॉडीली पेन लिखा ना, हाँ हिज बॉडी हेल्ड अरेक्ट एंड्यूरिंग फियर्स पेन शार्प एंड सीवियर। सो फिजिकल पेन्स भी तो कर्म विपाक से तो होते हैं ना, फिजिकल पेन्स भी। सो दरअसल बॉडी को अगर आप जैसे अगर आप बहुत देर तक बैठे हो और बॉडी पेन हो रहा दैट है तो वो कम विपाक से। मतलब हम तो ये कहेंगे कि पेन बॉडी के ज़्यादा बैठने से हो रहा है, लेकिन आपको अपने अनुभव से हमें मालूम है कि यू कैन सिट आफ्टर सम टाइम फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम। बट वो तो सर बॉडी को शायद थोड़ा अट्यून हो जाती है, बॉडी आदत पड़ जाती है, इसलिए कम हो जाता है। अच्छा, ऐसा लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, क्या व्हेन यू सिट फॉर मेडिटेशन टुडे एंड व्हेन यू सेट 5 years अगो, कैन यू नॉट सिट फॉर लॉन्गर टाइम? बट वो शायद बॉडी को शायद आदत पड़ गई है। यू कैन से दैट वे ऑल्सो, बट यू कैन ऑल्सो से दैट द पेन्स आर बेसिकली, एंड एक्चुअली इफ यू रिमेंबर इन अभिधम्मा वी हैड रेड, एनीथिंग एंड एवरीथिंग विच वी एक्सपीरियंस इज कम एंड गो, विपाक चित्त है, और अब उसका हम क्या करेंगे वो फर्दर कर्म बनेगा, है ना, हमने पढ़ा था ना, देयर इज नो इट्स एक्चुअल नथिंग ओरिजिन अलग। इन। हम उसको समझने के लिए कह देते हैं कि क्योंकि मैं बैठ रहा हूँ आदत पड़ गई है, यू कैन ऑल्सो से कि द्वेष के कुछ संस्कार कम हो गए हैं, बेसिकली तो ये होता है, देश के संस्कार कम होते हैं, व्हेन यू सिट फॉर लॉन्ग कंजर्वेशन टाइम, होती थोड़ा बहुत तो हम समता रख ही लेते हैं, धीरे 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 आदत पड़ जाती है, आदत पड़ जाती है मतलब पेन के कारण जो रिएक्शन होना है वो कम हो जाता है। सो वी हैव लर्नड हाउ टू ऑब्जर्व पेन इन सम टू सम लेवल, एंड एज वी प्रैक्टिस मोर एंड मोर दीज यू कैन से द टेंडेंसीज ऑफ अवर्शन कम डाउन, टेंडेंसीज ऑफ अवर्शन कम All डाउन। this thing is result of vipaka only, even हाँ, if it is apparently because of अपेरेंटली some बिकॉज ऑफ illness or सारी some थिंग्स, ऑफ accident or कोर्स, whatever, but that is all. Even illnesses are coming out of vipaka. या क्यों, आपने तो कहा था कि जब वैद्य को जाते हैं हम, हाँ तो हाँ नॉन विपाक वाले को ट्रीट करता है, विपाक वाले को नहीं ट्रीट करता है। देखो वो जो है ना, द कॉन्सेप्ट ऑफ आयुर्वेदा इज फ्रॉम द विपाका फ्रॉम अ डिफरेंट परस्पेक्टिव। इन अभिधम्मा द विपाका इज फ्रॉम अ मोर वाइड परस्पेक्टिव, बिकॉज वी लर्न दैट वट एवर वी एक्सपीरियंस इज ए विपाक चित्ता, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ That's right. या। सो द विपाका कुड बी दैट विच इज हैंडलेबल एंड देन विच इज नॉट हैंडलेबल। जैसे ऑब्स्ट्रक्टिव कर्म है, डिस्ट्रक्टिव कर्म है, उसका विपाक को तो आप साधना करने से हटाएंगे नहीं, वो तो असर करेगा ही। तो इसी तरह से अगर हमने गलत खाना खाया है और बीमार हो गए तो वो भी तो विपाक ही हुआ ना, isn't it? बट दैट्स हैंडलेबल बिकॉज इलनेस इज ऑफ ए काइंड विच कैन बी हैंडल्ड। अगर हम अपने आप को ठंड को एक्सपोज कर देते हैं तो वो जो कर्म है ना जिसका फल आएगा कि बीमार हो रहे हो, बट ऑफ ए काइंड विच इज मैनेजेबल, इट्स नॉट ए इंटेंस विपाक, कर्म विपाक ऑफ पास्ट लाइफ। एक्चुअली बाई आयुर्वेदा द टॉक ऑफ कर्म विपाक एज नॉर्मल, जो हमारे सनातन धर्म में बात की जाती है कर्म विपाक की, वो पिछले जन्म के कर्मों की बात की जाती है, उसका असर अगर कोई है तो मुश्किल हो जाएगा हैंडल करना। दैट इज द सो देयरफॉर देयर आर टू डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स फ्रॉम अभिधम्मा पॉइंट ऑफ व्यू एंड फ्रॉम द हिंदू धर्म पॉइंट ऑफ व्यू, देयर स्लाइटली डिफरेंस इन द, दो द टर्म इज सेम बट द इम्प्लीकेशन इज स्लाइटली डिफरेंट। विपाक विपाक लिविंग मतलब कर्म का फल, कर्म विपाक होता मैनिफेस्टेशन और मैनिफेस्टेशन ऑफ द मैनिफेस्टेशन ऑफ। जैसे ये जो इनकी साधना है 45 मिनट वॉकिंग मेडिटेशन होता है ना, तो 45 मिनट में तो
शारीरिक पीड़ा ऐसे होती नहीं है, तो वो अनुभव तो जिस ढंग से बताते हैं वो होता ही होगा लोगों को। नहीं नहीं ऐसा नहीं, जब हम 45 हमको नहीं होता लेकिन अगर हम बहुत लंबे समय तक बैठेंगे और कर्म विपाक खुलेगा तो बैठेंगे, हमको भी पता हो ही जाएगा डेफिनेटली। ऐसा नहीं है कि अभी हमको आदत पड़ गई है तो इसलिए हम 45 मिनट बिल्कुल पेनलेसली बैठेंगे, ऐसा तो नहीं होता। मेनी टाइम्स व्हेन द माइंड इज अपसेट यू फाइंड यू कांट सिट इवन फॉर 20 मिनट्स, माई रेस्टलेसनेस अफेक्ट्स द बॉडी। नहीं, रेस्टलेसनेस से बॉडी में पेन होने लगता है ना, अगर आप बहुत अपसेट हैं, बिगिंस टू शो एज फटीग एंड टायर्डनेस एंड सो बॉडीली सेंसेशंस चेंज हो जाती है ना, अगर ज़्यादा आप परेशानी हो रही हो। हाँ जी स्टैंडर्ड है, दिस इज दी ये जो फ्रेज है ना नीच, दिस इज द स्टैंडर्ड इन एवरी उदान सूत्र। तायम अथ को भगवा एतम अथम विदित्वा एट दैट टाइम द लॉर्ड, उस अर्थ को समझ के रियलाइजिंग सिग्निफिकेंस ऑफ दैट, तायम वेलायम ऑन दैट ओकेजन इमम उदानम उदानेसी दिस एक्सल्टेशन दिस एक्स ही एक्सक्लेम्ड ही सेड आउट ऑफ जॉय ही सेड दिस स्टेट। इसके पूरे जो रजम पूरे मतलब पहले के, अच्छा पहले के जितने भी रज है, मैट है, मिटाई महल है, धुन मानस से, धुन मतलब होता है ना जैसे क्या कहते हैं उसको, जो रुई को धुनते हैं वो वाला शब्द, रुई को धुनते हैं तो रुई को साफ करते हैं ना, तो इसी तरह से वही शब्द है धुन मानस से। पुराने अपने को खत्म कर लिया, अमस चित्तस तादिनो अमस अमस मम अस मेरा नहीं है मतलब हुआ कि कुछ मेरा नहीं है, जिसको कोई पोजेशन नहीं है, थिट्टस थादिनो एंड बीइंग दैट अथो नत्थि जनम लपेत्वा ही इट इजंट देन टॉक टू मच, लपति मींस जो अननेसेसरी बोलते जाते हैं, ज्यादा जरूरत से ज्यादा बोलते रहते हैं। सो अमोंग लपेटता वर्ड यही क्या है इसका मतलब? पता नहीं मुझे, सारे वर्ड से निकलेंगे भाई, पाली में इसको लपेती बोल देंगे, अब तो लपेट उसको कहना तो होता है। So for the monk who has left all the kamma behind, shaking off the dust of the past, steady, unpossessive, the amamas, has no need to address anyone else. But he doesn't talk about shanti se jab cha baitha hua tha na, to usko dekh ke bhagwan ne ye udaan diya. Sir, upar to keh rahe hain ki usko bahut dard ho raha hai. बट वो उसमें भी बैठा हुआ था ना, समता में, समता में बैठा हुआ था, दर्द तो हो ही रहा था, दैट इज ट्रू, उसमें लिखा हुआ था ना, बट वो समता में सफरिंग अविहिन्न मानव, अविहिन्न मानव मतलब कोई हिंसा नहीं हो रही थी उसको, कोई परेशानी नहीं हो रही थी, मेंटल लेवल पे सेकंड एरो नहीं डाला था। लेकिन समता में है ना, मानसिक परेशानी नहीं He's not addressing anyone कि तेरा कुछ दवाई ला दो, कुछ कर दो, ये कर दो, वो कर दो, ये exaltation। वो लपेटना नहीं है, लपेटी का मतलब होता है prattle, for talking। वो पाली में थोड़ा थोड़ा संस्कृत से फर्क है ना कुछ, थोड़ा थोड़ा, इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट। चलिए, सो लेट अस रीड नंद सूत्र, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सूत्र, आई थिंक यू नो अबाउट दिस स्टोरी। वो उदाहरण खत्म हो गया, अब ये सेकंड सूत्र है, छोटे छोटे हैं इसमें।
कुछ कुछ इसमें तो फिर भगवान ने तो सिर्फ यही बताया कि उसको दर्द हो रहा था, वो समता में बैठा है। हाँ, तो वो कह रहे हैं कि जो भिक्षु जिसने कर्म का विपाक इस तरह से छोड़ देगा तो वो प्रसन्न हो जाएगा और वो शांत हो जाएगा, he will not be prattling। हमारे भी लेसन है ना, हमें तो कुछ ना कुछ प्रिक होता ही रहता है, तो we keep on reacting to that physically as well as vocally। And at the same time the udana was on vedana upashana, it's on vedana, yeah, that there's a, he's feeling an acute pain and yet he's not reacting. He's maintaining his equanimity, so he's happy to see that ek bhikshu itni achhi tarah se sadhana kar raha hai, and in that happiness he's making that statement। Par wo jo karma vipak hai wo to kuch bhi manifest kar sakta hai, of course it can manifest at any time in any form, it can manifest in a pleasant sight, it can manifest in an unpleasant sight, isn't it? Matlab pleasant sound, unpleasant sound, wo bhi to karma vipak hai na, according to Abhidhamma ईशान का ये सत्य है, जो भी हमारे सामने एक्सपीरियंस हो रहा है वो हमारे कर्मों का फल है, दैट इज द बेसिक थिंग, और उस एक्सपीरियंस का हम क्या करेंगे वो हमारे इस समय के कर्म बनते हैं। अच्छा, क्यों ऐसा, मैं फिल्म देखने जाता हूँ, हाँ जी, उसमें क्या करना? हाँ, और फिल्म देख के अगर तुम ये सोचते रहो, नहीं फिल्म देखो छोड़ो, आप मैं बताऊँ कि मैं इन दिस मोमेंट आई हैव गॉन टू सी अ फिल्म, व्हाट इज दैट गॉट टू डू विद कर्म? हां, तुमने पर्दा क्यों खुलवाया, इतनी शैडो आ रही है इसके ऊपर, मन कर लो आज फिल्म देखने जाता हूँ, इसमें मेरे कर्म फल क्या है? तो मैंने उससे उत्तर दिया कि आप सोच रहे हैं कि आप जो डिसीजन ले रहे हैं आप इंडिपेंडेंट हैं, फ्री हैं डिसीजन लेने में, ऐसा है नहीं ना, आपको मालूम है। The volition of the mind to see a film is conditioned. Conditioned, yeah, of course. Every volition is conditioned. ऐसा हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो इनपुट आएगा, तभी तो जाओगे। नहीं, कुछ हो सकता है। You have to be mindful of that. जब से जैसे ही पिक्चर का कह रहे हैं, मन में आया। कभी विचार आएगा ना पहले, चलो पिक्चर देखने जाए, एंड इफ यू सी इट दैट इट इज अ थॉट एंड शुड दैट बी एक्टेड अपॉन, देन प्रज्ञा विल अराइज, शुड आई एक्ट अपॉन इट? ओके, यस आई शुड एक्ट अपॉन इट, एंड इट्स अ फिल्म वर्थ सीइंग, ओके फाइन। जब भिक्षु अपने आप मैट्रिक्स देख सकते हैं तो हम क्यों नहीं देख सकते? अगर हम नहीं, अब फिल्म जाके क्या कर रहे हैं, हमने फिल्म देखते हुए क्या किया, उसके उसके इल्यूजन में बह गए, तो फिर तो इग्नोरेंस बढ़ती चली जाएगी। आप फिल्म देखते हुए भी अवेयर हैं कि देखो ये इल्यूजन हो रहा है, यू विल बेनिफिट फ्रॉम दैट। फिल्म इज बेसिकली एन इल्यूजन ना, स्क्रीन पे कुछ चीजें आ रही है और हम उसको देख के हंस भी रहे हैं, रो भी रहे हैं, उसको बुरा भला भी कह रहे हैं, ऑल दैट वी गेट सो इन्वॉल्वड इन दैट। इन द मोमेंट द वोल्यूशन अरोज, इन दैट मोमेंट यू आर माइंडफुल, नॉट माइंडलेस, इफ यू आर माइंडफुल यू विल नो वेदर इट इज वर्थ डूइंग और नॉट, यू विल स्टिल वॉच द फिल्म, बट हम देखते हैं स्टिल वॉच द फिल्म and be aware that see this is how ignorance envelops us. Film is a most apt example of the ignorance. Film and television and mobile phone. Then we are not mindful. अप्रमाद हो गया ना, प्रमाद में फंस गया ना, तभी तो बार बार आता ना, अप्रमाद हो अमृतम पदम। If you are mindful, that is the path to the क्या अमृत का पाथ, अमृत मतलब इमोर्टैलिटी, किस निर्वाण कहने पमादो अमृतम पलम, दैट इज द फेवरेट कोटेशन ऑफ अजान सुमेधो। अब ये नंद सुत्तम आप पढ़ेंगे तो कहेंगे ये तो बड़ी चीटिंग करी भगवान ने, बट पढ़ लो, इट लुक्स लाइक ए दैट नंद सुत्तम एवं नहीं सुतम एवं समय भगवान सावित्र्यं विहरति जेतवने अनाथ पिंडकस्य आरामे तेन कोपन समय अयसमा नंदो भगवतो भाता
मातुच्छल पुत्तो सतनांग विखुनंग एव मारो। अभी जो बोला है उसको छोड़ के बाकी ट्रांसलेशन करने कोशिश करो। कर लो बहुत आसान है एकदम। इट्स वेरी सिमिलर टू हिंदी वर्ड्स। तीन को फन समेत हो गया ऑन दैट ओकेजन, ठीक है ना। आयस्मा नंदो मतलब वेनरेबल नंदा, भगवतो भाता भगवान का भाई भ्राता हो गया ना, मातुच्छ पुत्तो उनकी उनकी मैटरनल आंट का पुत्र, माता नहीं है मातुच्छ, उनकी मैटरनल आंट का पुत्ता बेटा, सम बहुला नाम भिक्खु बहुत सारे भिक्खुओं को एवं अरोचित ये कह रहा था। क्या क्या कह रहा था आगे बता दीजिए। अन्नभिरतो अहम् आवसो ब्रह्मचर्यं चरामि। हाँ, अनभिरतो, अभिरतो मतलब बहुत में अच्छा लग रहा है उसको, अनभिरतो मतलब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है मुझे। भिक्खु नाम आवसो, आवसो मतलब फ्रेंड्स, सो ही सेइंग फ्रेंड्स आई डोंट एंजॉय एट ऑल ब्रह्मचर्यम चरामि, ये ब्रह्मचर्य जो ये जो जीवन है मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। I can't keep this, मैं अब ये नहीं रख सकता। पच्चक्खाय मतलब छोड़ के, उसको छोड़ के, हीनाय वत्तिम असामि, हीनाय मतलब छोटा वत्ति मतलब मैं मॉन्ग से गृहस्थ बन रहा हूँ, उसको हीनाय वत्ति कहा जाए, जो लोअर लाइफ रेल्म है, तो कहते हैं भाई मेरे बस का नहीं है, आई डोंट लाइक इट and I am going. So he announces to his other monks. ये नंद कह रहे हैं। हाँ नंद कह रहे हैं। जो उनके भाई कज़िन। और खास भाई। So in our previous discussion, Rajendra ji had a comment. If one gets a thought, then that means it is because of something triggered by my past experience. Yeah, if you are sitting and thought arises, definitely. The voice is a little feeble from other side, but Darsa's voice is very clear. So when we are reciting, they can hear. Yeah. At least, yes, go at ahead. At least, तुम्हारी बारी आ गई भाई। अथ को अनंतरो भिक्खु येन भगवा तेन उपसंकमी 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 याद है? हाँ, ये तो मैं ऐसे ही कर रहा हूँ। Time to get to the So that certain bhikkhu, anyatra bhikkhu, yen bhagava, jahan bhagavan the, ten upasankami, maha chala gaya. Ek bhikkhu unme se. Oh, one of them. Anyatra bhikkhu, one of the monks went to the. Anyatra, achha, achha. Then. So having. Pura padho na, pali to padho. Upasankamitva, bhagavantam, abhivadetva, having paid respects, ekamantam. Nisadi sat on one side, phir ekamantam nisino khoso bhikkhu bhagavantam eta davocha. Eta davocha. Ek taraf baitha hua bhikkhu ne bhagavan se ye kaha. Right. Ayasma o venerable one, nanda bhagavato. Yeah, so this guy nanda, your brother. Oh, so this is your relationship. Matu cha bhikkhuto chita sambahulanam. So just repeating the same sentence. Right, right. उसने सभी भिक्षुओं के सामने ये कहा, ये वो कहा. So we have already read it, so we know that. उसने कहा कि मैं अब मैं भिक्षु नहीं रह सकता, मैं जा रहा हूँ. Then अत्तको भगवान चावन निश्चित है. निश्चित नहीं तो नहीं देख सकते. अत्तको भगवान अन्य अन्य एन के ऊपर टिल्डे है ना, अन्य 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 तरं भिक्कुम आमंत्रित मतलब आमंत्रित किया, उसको एड्रेस किया टू दिस गाय हु केम टू दिस मॉन्क हु केम, जो मॉन्क आया था उसको कहा तखो भगवा, देन द लॉर्ड उस भिक्षु को जो आया था आमंत्रित ही एड्रेस्ड हिम, एही त्वम भिक्खु मम वचनेन वचनेन नंदम भिक्खु आमंत्रेहि, तो ओके भिक्खु यू कम, यही तो मतलब ओ कम भिक्खु मम वचने ना, मेरे वचन के हिसाब से ऑन माय बिहाफ
Nandam Bhikkhu Mamantai. You go to Bhikkhu Nananda and address to him. Say this to him. मेरी तरफ से ये बोलो. ठीक बात है. क्या बोलो भाई? सत्ता. सत्ता मतलब टीचर. टीचर. तम. सत्ता तम का मतलब तुम. तुमको. तुम. अबूसो नंदा. फ्रेंड नंदा. अबूसो का मतलब फ्रेंड. नंदा उनका नाम. Amante. So you go to him and tell him, friend Nanda, teacher is calling you. Calling you. Amante. Ti evam bhante tikho subhikhu bhagavato pati suttava yena ye yas. Yena ayasma nando. इसका क्या मतलब? आई वो ये ना यहाँ पे आयस्मा को जोड़ कर दिया ना, संधि हो गई ना, इसलिए इस कॉम्प्लेक्स हो गया वर्ड. तो यह एवं भंते, तो उसने कहा कि हाँ जैसा ही ऐसा ही करता हूँ जैसा आप कह रहे हैं. वो भिक्षु सा भक्त भगवतो पति सुत्वा हैविंग हर्ड द रिस्पॉन्डेड टू दिस ये ना आयस्मा, जहाँ पे आयस्मा नंदो थे तेन उपसंकमी वहाँ चला गया. सो सेइंग ही सेड टू द लॉर्ड एवं भंते, मतलब एज यू से लॉर्ड. एवं भंते इज अ स्टैंडर्ड सेंटेंस दे से. सो ही रिस्पॉन्डेड इन पति सुत्वा, मतलब रिस्पॉन्डेड to Lord by saying, as you say Lord. And then he went to Venerable Nanda. And then he told him exactly same thing. Sattata mauso nanda amanteti. Same word. So this is a beautiful way of with Lord. You know, he repeats the thing so that people can remember without much difficulty. He says, teacher calls you friend Nanda. Then, eva mauso tikho ayasma nando. Bhikkhuno patisutva yena bhagavat yena upasam. And evam avasam, okay, as you say my friend, Nanda bhikkhu, tasya bhikkhuno patisutva responded to the bhikkhu in this manner. And what happened? Yena bhagavat yena upasankami. And where Lord was there, he approached him. Upasankamitva bhagavantam abhivaditva ekamantam nisini. And having approached it, he paid respects, bowed down to him and said to Vansa, ekamantam nisinnokho ayasmatam mandam bhagava etat. And this to this Nanda who was sitting on one side, Bhagavan ne ye kaha bhagavanam etat. So we also pooch rahe hain, satyam kiritvam Nanda sambahulanam bhikkhum evam arochasi. Is it true? Pooch rahe hain usse pehle. Is it true Nanda that you spoke this in front of so many bhikkhus? Same statement is repeated. I don't enjoy the holy life and just want to quit and I am giving up training and I will return to the layman's life. He says, evam bhante. Yes, Lord. I said it. Kisapantvam nanda anabhirito brahmacharyam charasi na sakosi brahmacharyam sandharetam sikham pachya khaya hinavitasi. Kisapantvam nanda. Kis karan se bhai ko? Anabhirito, you are not enjoying brahmacharyam charasi. Why are you not enjoying the reading of holy life? Na sakosi brahmacharyam, why can't you keep the holy life? Sikham pachya khaya, why are you giving up this training and returning to hina vatti siddhi? Householders, in comparison to bhikshu, I'm hina, na? Hina is like this robin. It means returning to the lower life. Literal translation means, yeah. But this robin over here. Yeah, that's right. That's what he is saying. Now see the reason what he is giving. Sakyani mam bhante janpad kalyani dhara nikmantas upaddu likhikhetehi kesehi uploketva mam edatvoch. वो उसने ऐसा कहा. किसने कहा? पढ़ो. साक्यानी. साक्यानी मतलब एक शाक्य लड़की. हम बनते, मुझे बनते जनपद कल्याण के लिए. जनपद कल्याणी होता है जो उस डिस्ट्रिक्ट की बहुत सुंदर लड़की है. अच्छा. कल्याणी धरा. इट वाज यूज्ड आल्सो इन टर्म्स ऑफ कोर्टिजंस बट हियर इट इज द मीनिंग हु वाज द ब्यूटीफुल ऑफ
girl of that janpad of that district. You janpad ka kalyan karne wali. Aaj form mein ho. Pehli janpad ka kalyan nahi kar diya. Oh, Shivir ka asar ho gaya. Shivir ka asar aisa hua sir. Translation karni hai bhai. Aap kalyan nahi karegi na. Haan sahi baat. Aap kalyan nahi. Translating it in a appropriate manner. Actually meaning वही है जनपद का कल्याण करने वाली आ गई धरा आ गया निखिमंत्र हर हर घर हाँ निखिमंत हाँ आगे आ रहा है निखिमंतस जब मैं घर से छोड़ रहा था निष्क्रमण कर रहा था जब घर से उपदुख लिखे थी उसने मुझे देखा कैसे ही अपलोके तो उसके बाल जो थे आधे कॉम किए हुए थे सच इज द इंटेंसिटी ऑफ हिज ऑब्जर्वेशन इम्पैक्ट इतना हुआ है हाँ एतद वोचा और मुझसे ये कहा तुवतम खो अयुपुत्त आगच्छेयसि तुवतम मीन्स जल्दी से आर्य पुत्र आगच्छे वापस आ जाना खोसो अहम भन्ते तमुन तम अनुसमरणो अनुसमरणो मतलब अनुस्मरण करके उसको याद करके अनभीरतो ब्रह्मचर्यम चरामि आई एम नॉट एंजॉयिंग द होली लाइफ बाय रिमेंबरिंग दैट इवेंट आई एम नॉट एंजॉयिंग द होली लाइफ एंड देयरफॉर आई वांट टू गेस्ट गिव अप न सकोमि ब्रह्मचर्यम संधारयितुं सिखम पच्चखायहि नावितस सो आई कैनॉट कीप द होली लाइफ एंड आई एम लीविंग I want to go. अब ये देखो तो सही क्या हो रहा है भगवान क्या कर रहे हैं That is a very amazing thing. अथ को भगवा आयस मंथम नंदम बहायम गते गतेवा गहेत्वा गहेत्वा सेयत थपि बहायम गहेत्वा तक पहले ट्रांसलेशन कर लो अथ को भगवान मतलब हाँ भगवान ने आयसमंतम नंदम वेनरेबल नंदा का बाह्यम बाहि बाह पकड़ ली पकड़ गहेत्वा पकड़ के सेयथापि नामा बलवा पुरिसो सम समी निजितम वापहम पसारिये पसार त्यम वा बाहम उसकी हाथ पकड़ के क्या किया फिर एग्जांपल देने से यथापि मीन्स जस्ट एज एस मम नाम बलवा पुरुष कोई बलवान पुरुष किसी दूसरे के हाथ अपना हाथ जो है समंजितवा बाहम पसारे जैसे अपने हाथ को फैलाता है जिस तेजी से कोई बलवान पुरुष अपना हाथ फैला सकता है उसी तरह से क्या हुआ भगवान जेतवनो अंतरहितो जेतवन से अंतर ध्यान हो गए डिसअपियर्ड फ्रॉम जेतवन एंड तावतिमसो पातु हृषि तावतिमसो देवलोक में जाके प्रकट हो गए उसको साथ लेके इसको विभिन्न साथ लेके वहां पहुंच गया अहोसी पातुर मतलब प्रकट हुए वहां मतलब हिंदी में रफली वो हुआ पर सर पहली बार देखा है कि भगवान किसी का हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं नीचे सारे सूत पड़े हमने चल रहा है चल तेरे को दिखाता हूं दिस इज द भाव ये बिल्कुल ये भाव बट किसी का हाथ पकड़ के लेके गए भाई है स्पेशल ट्रीटमेंट है रनॉइड या फिसल गया इतनी सी बात में यार तो उसको देखो क्या जब उत्तर क्या उसको वो इज गिविंग हिम अ सॉप इन मॉडर्न टर्म्स हाँ जी तीन को पना समयेन पंच मथानी अच्छतरस्तानी सखसा देवा मिंदसा देवानम इंदस देवानम देवानम इंदसा पाथम अग अग आगतानी होती होती ककुट पादानी ककुट पादानी मतलब जिसके पांव ककुट की तरह हो ये जो होती है ना ककुट मुरवा नहीं उस जो ये इसमें क्या लिखा है डो हाँ डो की तरह जो चलती है ना ये
हंस हंस जो क्या जो पानी में क्या चलता है उसको क्या कहते हैं बगले नहीं वो बतख 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 तेन खोपन समयन उस समय पंचमत्तानी पंचमत्तानी मतलब पंचम अत्तानी मतलब 500 अक्षरस्तानी अक्षरस्तानी मतलब निम्स जो होती है ना क्या कहते हैं अप्सराएं सक्कस से देवानम इंद्र से जो है देवों का इंद्र सक्क था उपठानम आगंतानी उसके टू सर्व हिम दीज 500 निम्स 500 अप्सराएं देवताओं के राजा इंद्र के पास आई हुई थी देन अथ को भगवा आयस मंथम दंदम आमंतेसी पससी नो त्वम नंदा इमानी पंचा अच्छर अचारा सतानी काकुत पादानी तो क्या हुआ ट्रांसलेशन करने कोशिश तो करो उस समय भगवान ने आयुष्मान कहते हैं ना आयुष्मान नंद को ये कहा पश्यसि नो तुम पश्यसि मतलब देखते हो ना तुम नंद नंद आर यू सीइंग इमानी पंच अक्षर से थानी ककुट पादानी इन 500 डो फुटेड मम्स को देख रहे हो इसे एवं बनते हाँ जी देख रहा हूँ 500 फुटेड डॉव्स किसको देखने आई थी नहीं नहीं वो इंद्र के पास वो जो अप्सराएं थी इंद्र के पास पहुंची हुई थी ना उनके पैर ऐसे थे वो इंद्र के पास सर की औरतें थी जो जिनके पैर ऐसे थे दे आर वेटिंग अपॉन दिस लॉर्ड ऑफ इंद्र जो है देवताओं का राजा जो है उसके सेविकाएं हैं दास एक तरह से ये दोनों खड़े होकर अभी चर्चा कर रहे हैं ये उसको दिखा रहे हैं कि दीप को देख रहे हो 500 लड़कियां देख रहा है देख रहा है तो हां उसको कह रहे हैं 500 अप्सराओं को देख रहा है कहता हां जी यस एवं बनते देख रहा हूं मैं एवं बनते थी मतलब एवं यस एवं यस तो भगवान को बनते थी कहता था बनते कहते थी तो इज एंड थी तो सेंटेंस थी इज एंडिंग ऑफ द स्पीच तो जहां-जहां थी आता है ना उसका मतलब वो सेंटेंस खत्म जनपद कल्याणी इमानी वा पंचत्ति अच्छरास्तानी कपुट कपुट पादानी थी तो उसे पूछ रहे हैं व्हाट डू यू थिंक तम किम मन्यसी तुम क्या समझते हो नंद कतमानुखो अभिरूप तरह कौन ज्यादा सुंदर है बेटर लुकिंग चार्मिंग वो जो सक्यन गर्ल तुमने वहां देखी थी वो जो सक्यानी जो ना जनपद कल्याणी वहां तुमने देखी थी वो ज्यादा सुंदर है या ये 500 जो अप्सराएं हैं ये सुंदर हैं उसको नंद को कह रहे हैं तो वो फिर वो उत्तर दे रहा है से यथापि बनते ये तो ऐसी बात हो गई भगवान अक्षरासतानम उपनिधाय संख्यमुक्ति लोपेति कलभावमपि लोपेति उपनिधिमपि लोपेति अथको इमानि पंच अक्षरासतानि अभिरूपतराणि चैव दशमीयतराणि च पाशादिकतराणि चाति वो कह रहे से यदा भी बनते पलुठक मक्कट आने मक्कट मतलब मंकी मंकी को मक्कट कहते हैं तो वो साक्यन गर्ल तो ऐसे है जैसे कोई बंदर हो इसके सामने सो लॉर्ड कंपेयर टू दीज नेम्स दैट साक्यन गर्ल विज द एनवी ऑफ द कंट्री साइड is like a cauterized monkey with her ears and nose cut off वो तो कुछ she is not even a small fraction of you know
Satanam up achara satanam upanati. She is not even a small fraction of that. There is no comparison. These 500 names are obviously much lovelier and better. Then see what he is going to tell him. Abhiram Nanda, Abhiram Nanda. Be happy, Nanda, be happy. Aham te pati bhogo panchanam. Achara satanam patila bhaya. Can I be, take joy, be happy, Nanda? So he's happy. Cheating, sir. It looks very. अहमति पटि भोगो, मैं तेरे को गारंटी दे रहा हूँ किस बात की, पंचराणाम अच्छा, ये 500 नेम्स तुमको मिल जाएंगी, रुक जाओ। तचेने भंते भगवा पाटि भोगो पंचनन्यम अक्षरासतानम पटिलाभाय ककुटपादनम पदानम अभीर अभीर निस्सा महु भंते भगवती ब्रह्मचर्येता। सचे मतलब इफ, सचे का मतलब है इफ, इफ बनते भगवा पति भोगो, अगर भगवान गारंटी दे रहे हैं कि ये 500 निम्फ को मुझे मिल जाएंगी, तो देन आई लीड द होली लाइफ, तो मैं भिक्षु बना रहता हूँ। सर ये थोड़ा तो लालच हो गया, ये तो लालच हुआ, ये तो बहुत बड़ा लालच है। देखो तो सही, व्हाट विल योर नॉर्मल थिंक अबाउट सच ए पी पर्सन एंड व्हाट वुड व्हाट इज द ट्रीटमेंट, इट्स एब्सोल्युटली unimaginable that Lord can give such a inducement, इस तरह की inducement दे रहे हैं। उसके मानस को देख के बता रहे हैं। हाँ, वो he knows that he is going to get out very quickly। चलो उसको शांत करना है मन, and then वो खुद ही बेचारा पछताता, आगे जो पढ़ेंगे ना, he himself gets really sad about all that। सेम थिंग इज बीइंग रिपीटेड कि उसके हाथ पकड़ के अब दो वहां से छोड़ के दावतम से छोड़ के चेत बने पाटू आरोसी आ गया ना अंतरहितो चेत बने सो ही टेक्स इट एंड रीअपीयर्स इन द जेता ब्रो अब मॉन्क्स उसकी ऐसी तैसी करते हैं चलो सोसम हो भिक्कु आयसम समा असोसुम का मतलब सुनकर उन्होंने ये सुन भिक्षु ने सुन लिया उनको पता चल गया अच्छा कि ये करके आए हाँ ये कैसे पता चला वो तो भगवान ने बता दिया होगा ऐसा या उनमें से कुछ अरहंत होंगे पता चल गया होगा उनको सर राजेंद्र जी सेइंग दैट दिस इज सिमिलर टू कुरानिक एक्सप्लेनेशन दैट आफ्टर जियाद वन विल गेट अप या इट्स ऑलमोस्ट लाइक दैट बट सी द इंपैक्ट ऑफ इट अभी आगे पढ़ेंगे ना तो पता चलेगा उसका इंपैक्ट क्या हुआ नंदो उन्होंने सुना आयस माकिर नंदो भाता मा तुच्छा पुत्र मतलब उनकी पुत्र चाची का बेटा आचर चरणम हेतु ब्रह्मचर्यम चराति भगवा खीरासा पति भोगो नाम सताना सतानम प्रतिलाभाय काकुता पदाना नदी तो उनको लग रहा है कि ये जो आयस मा के रे नंदो ये वेनरेबल नंदा जो है जो भगवान का भाई है और उनका चचेरा भाई है ही इज लीडिंग होली लाइफ अक्षरा नाम हेतु मतलब निम्स के लिए होली लाइफ लीड कर रहा है जैसे और वो भगवान जो है उसकी गारंटी दे रहे हैं कि 500 अप्सराएं उसको मिलेंगी अथको वायस्मतो नंदस्य सहायका जो उनके सहायक जो उसके मित्र थे जो उनके साथ थे कंपेनियंस जो थे भिक्खु आयस्मंतम नंदम भटक वेदना वादेन च उपकेट वेदना च समुद्दाचरंती वो उसको कहने लगे कि ये तो बंधवा मजदूर है तो उसको बाकी भिक्षु जो पखे हुए थे उसको कहने लगे तो बंधवा मजदूर है इसे तो खरीद दिया गया 500 नेम के लिए खरीदा जा चुका है सर राजेंद्र जी हैज दिस क्वेश्चन कुड इट बी दैट इट वाज अ हेलुसिनेशन
and hallucination and not actual happening, and that is why monks heard it as it was, the talking was happening right there. I don't know, but really the sutta is very clear, and commentary also says it is an event which happened, so I can't say really. उसको पहले पूरा देख तो लें क्या, तब समझ आएगा। एंड में क्या हुआ वो देखिए ना आप, तो उसको कहने लगे भाई ये तो बिका हुआ है, इज जस्ट ए हायरलिंग। एंड भटको अक्रियासमानंदो उपकत्वा क्रियासमानंदो अक्षराणाम हेतु ब्रह्मचर्य, ही इज डूइंग इट फॉर दोज देन। अथको आयसमानंदो सहायकम भिक्खुनम भटक वेदना चे उपकट वादेना चे अतिय मानो हराय मानो जिगुच्छ मानो, वो मतलब उसको बहुत, he felt very humiliated, ashamed and disgusted that monks were addressing him like that, that he's a, he's, he has been bought over by 500 names. So he felt very hurt in that manner. And then what was the result of it? Eko vipu, eko vup katho appamatto atapi bahitatto viharato nachid. So एक जगह अकेला चला गया एंड ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग डीपली, आतापि विहरतो, याद है ना आतापि संपजानो, सो ही स्टार्टेड ड्वेलिंग अलोन एंड बिकेम एक्सट्रीमली आर्डेंट एंड रिजोल्यूट इन हिज प्रैक्टिस। एंड व्हाट इज द रिजल्ट? नचिर असेवा, यस नचिर असेवा मतलब जब बहुत ज़्यादा देर के बाद, नहीं नचिर चिर होता है ना ज़्यादा, नचिर मतलब जो ज़्यादा देर नहीं लगी उसको, एंड नॉट इन ए लॉन्ग टाइम। यस अथाय कुलपुत्ता समादेव आगार, ये भी स्टैंडर्ड फ्रेज आपको याद होगा कि जिस कारण के लिए गृहस्थ लोग अपना घर छोड़ के भिक्षु बनते हैं वो अर्थ उसने प्राप्त कर लिया। ब्रह्मचर्यम परियोसनम दिट्ठे व धम्मे, दिट्ठे व धम्मे मतलब यदि डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ धम्मा, सायम अभिन्या सच्चकत्वा उपसम्मज्ज विहसी, एंड ही रियलाइज फॉर हिमसेल्फ राइट एंड नाउ, हियर एंड नाउ। What did he realize? Khina jati usitam brahmachari, realized that his birth is ended, holy life has been lived, and there is nothing further to be done. Wo arhant ban gaya. Anyatro ko upanyas mein nando arhatam ahosi, and he became another one of the arhants. Atko anyatra devata abhikanta vatiya abhikanta vanna, ye bhi common phrase ho gaya ab tak to. केवल कप्पम जेतवनम उभासेत्वा येन भगवत येन उपसंकनितो, देन अ सर्टन देवता वाज इल्यूमिनेटिंग द जेतवना, ही अपीयर्ड बिफोर द ब्लेस्ड वन, उपसंकमित्वा भगवंतं अभिवादेत्वा एकमंतम 88, और एक तरफ खड़ा हो गया वहां पे भगवान को आफ्टर बोइंग हिम, एकमंतम त्रिथा खोसा देवता भगवंतम एत, एंड देन ही व्हाइल स्टैंडिंग ही एड्रेस्ड द लॉर्ड, आयस्मा भंते नंदो भगवतो भाता मातु च पत्तो आसवानम खयम, उसके आशवों का खय हो गया है, अनासवम चेतो विमुत्तिम पन्या विमुत्तिम दिट्ठे व धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चकेत्वा उपसमाज विहरति, नाउ ही इज एंड एंडेड हिज ऑल डिफाइलमेंट्स एंड हैज एंटर्ड एंड रिमेन्स इन द डिफाइलमेंट फ्री अवेयरनेस, शुद्ध चित्त में विहार कर रहा है, एंड ही हैज हिमसेल्फ रियलाइज्ड फॉर हिम द ट्रुथ द धम्म। And Bhagavato topikho nandam udupadi, nando asavanam khaya anasavasam cheto vimuttir. And within the Lord also this thought arose that Nanda has become an arahant. He has entered the state of anasava. Asasare samapt ho gaya uske. Atko ayasmo nanda tastaratiya achena yena bhagava tena pusampi. उस रात को तस्सरतिया मतलब उस रात को वेनरेबल नंदा ही वेंट टू भगवान, भगवान के पास गया, ही वेंट टू हिम, उपसंकमित्वा भगवंतम अभिवादेत्वा एकमंतम निसिदिया, देन ही सैट डाउन ऑन वन साइड, एकमंतम निसिन्नो को आयस्मानंदो भगवतम एतत् उच्चो, एक तरफ बैठा हुआ उनसे कहता है, यम मे भंते भगवा पाति भोगो पंचानाम असच्छाराणाम पतिलाभाय ककुट पादानाम मुंचम अहम भंते भगवंतम ए तस्मापत्, तो आपने भगवान मुझे जो प्रॉमिस दिया था मैं आपको उससे रिलीज कर रहा हूँ, आई एम रिलीजिंग यू फ्रॉम दैट प्रॉमिस, सो आई हियर बाय रिलीज द ब्लेस्ड वन फ्रॉम दैट प्रॉमिस। सो नेक्स्ट आप समाप्त कर दीजिए इसको। मयापि को तुम बन तुम
नंद को नंद चेतसा चेतो परिच विदितो मयापि, मतलब मैंने भी मैंने भी तुम नंद चेतसो चेतो परिच विदितो, मैंने भी आई कॉम्प्रिहेंडेड योर अवेयरनेस विद माई ओन अवेयरनेस, मतलब मुझे मालूम है कि ये क्यों हो रहा है। नंदो आसवानम खया, आसवों का क्षय हो गया, सा अनासवम, अनासव आसव नहीं है, चेतो विमुक्ति पुण्य विमुक्ति पन्न्य विमुक्ति, दो है ना, चित्त की विमुक्ति और पन्या की विमुक्ति दोनों ही तरफ से वो कॉम्प्रिहेंसिवली अवेयर आनंद बने। दिठेव धम्मे स्वयं अभिन्या सच्चिकत्वा उप संपज्ज विहरति, तो ये सींद धम्म दिठेव धम्म मतलब उसने खुद ही धम्म को देख लिया है एंड इज ड्वेलिंग इन ए एफ्लुएंट फ्री स्टेट। देवतापि मे एतमत्थम एक देवता ने भी मुझे ये बताया था। आयस्मा भंते सेम थिंग, वही सेम सेंटेंस है कि ऐसा हुआ है, ठीक है ना। देन अथको भगवा एतमत्थम विदित्वा तायम वेलायम एवं उदान बोला, तो उन्होंने ये उदान बोला भगवान ने। अब ये इसका सार है, इस सूत्र का सार ये है, तो ये दीपक जी पढ़ के सुना देंगे। यस्सा नीति निनो पंको, पंक मतलब होता है ना दलदल, हिंदी में भी पंक कहते हैं ना दलदल को, संस्कृत में शायद पंक पंक कीचड़ को, हाँ पंक तो कीचड़। मदितो कामा कंताको मोहा खयम अनुपततो सुख दुखेसु न वेदेति सा भिक्खु, तो वो भिक्खु है, कौन भिक्खु है, यस्य नितिन्नो पंको, जिसमें कि जो दलदल है उसको उसने क्रॉस कर लिया, दलदल मतलब दलदल जो सेंसुअलिटी की दलदल है। मदितो काम कंटो एंड यस, जो कामना का करंट है, कंट मतलब जो क्या कहते हैं इसको, चुभ जाता है कांटा, जो सेंसुअलिटी का कांटा है वो उसको खत्म कर दिया है। मोह खयम अनुपत्तो, जो मोह खय हो गया है एंड डिल्यूजन हैज एंडेड एंड अनुपत्तो सुख दुखे सु, जो सुख और दुख के चक्कर से परेशान नहीं होता, इज नॉट, वैसा आदमी ही भिक्षु, सो भिक्षु इज वन हु हैज ऑल दीज क्वालिटीज, दिस इज व्हाट द बुद्ध सेज। सो दिस इज द unusual sutta in Tripitaka. So this, it was more due to the humiliation that he got from his other colleagues, yeah, that got him to go into deep meditation, yeah, and that's it, get out. Yeah. So we get humiliated so many times, but we don't become a It doesn't motivate us. He got the resolve to work hard, so he went into seclusion and worked his way out. उसने उस humiliation का उसने ये positive रूप देखा लिया। हम लोग उसका negative रूप ले लेंगे। इसका गड़बड़ हो जाती है। वो जो भिक्षु उधर है, वो तो उसी काम में लगे हुए हैं। हम तो और काफी हैं। वो तो है ही है। हम उस तरफ जाता नहीं। And after he attained the enlightenment, then the Lord gives a generic statement that a bhikkhu who is, what I understand from the sutta. Yeah, bilkul. Because harek sutta ke is chapter mein, is puri ki book mein, harek sutta ke end mein ye ek udaan hai, which is a kind of teaching from the incident. Wo context se related hai wo udaan. But this doesn't have anything to do the context because this is a generic. Haan. इट अराइज फ्रॉम एक्सपीरियंस ना, जब तक वो उसमें मायर में लगा रहा, जब तक वो उनके चक्कर में पड़ा रहा, तब तक वो कहता मैं तो छोड़ के जा रहा हूँ। लेकिन एक समय तो उसने तो हाथ बांध बांध बूंद के निकल रहा था, मैं तो जा रहा हूँ भाई। हाँ, तो उसके लिए जो ट्रिक चाहिए थी, जो उसको अप्रोप्रिएट डोज 500 अफसरों का इसको लालच दे के रोक लिया, रोका और जब नीचे आए तो इसके दोस्त यारों ने, यार बंधुओं ने कहा यार तूने क्या कर क्या दिया, तो बिल्कुल नीच जात का ये हो गया, नौकर बन गया, तो बंधुआ मजदूर बन गया, बंधुआ मजदूर है, तो उसको बड़ी शर्म आई
और फिर जाके इसने साधना की और फिर ये तर गया और फिर भगवान ने सबको बताया कि इसका पूरा बेसिक आइडिया ये है कि देयर कैन बी अनयूजुअल मेथड्स यूज्ड बाय द लॉर्ड बिकॉज ही कुड सी कि ही यू नो आपने अगर कोई भी और भी सूत्र पढ़ेंगे ना सब कईयों में आता है ही सॉ दैट ही इज राइप फॉर एनलाइटनमेंट बट वो इधर उधर भटक रहा है इवन फॉर महामोगलाना वो देखते हैं कि जो वो ध्यान कर रहा है तो नींद आ जा रही है जस्ट अपीयर्स इन फ्रंट ऑफ हिम एंड गिव्स हिम एडवाइस ऐसा करो सो व्हेनेवर ही वुड सी दैट दिस पर्सन इज राइप उसके लिए जो अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट है वो उसको दे देते थे तो इसके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट उन्होंने सोचा होगा यही है इसका जो भ्रम है भ्रम है उसका एक तो अटैचमेंट है उसको कि वो जो लड़की ने मुझे कहा जल्दी आ जाओ वो अटैचमेंट तोड़ दिया वहां से जाके उसी जगह कहीं और भेज दिया ताकि उसके कारण उसको इम्पैक्ट हो जाएगा कि उसको दिकारा नहीं उसको चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और फिर नीचे आके उसके यार दोस्तों ने उसको चने के झाड़ से उतार दिया उसको एक ऐसे दो झटके पड़े कि वो आदमी को अपने आप ही लेकिन सरना तो उसको अपने बल पे ही पड़ा हाँ बिल्कुल और सर एक और बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो नंद थे ये वही थे ना जिसकी सगाई होने वाली थी हाँ, तो भगवान ने अपना भिक्षा पात्र छोड़ दिया जी तो सर तभी तो वो बेचारे को परेशानी हो रही थी ना तो अपनी मंगेतर को छोड़ के भागा था वही उसी को कह रहा था ना कि वो बाल भी खुले हुए थे और तो उसकी मंगेतर को छोड़ा था फिर इतने रस्ते में किसी और नहीं उसी को देख अच्छा उसी की बात कर रहा है कि उसी ने तो कहा ना कि जल्दी आया ना वापस और वो भिक्षा पात्र लेके जाता उसे क्या मालूम कि अब आने वाला नहीं है तो वो तो उसने सोचा कि अपने भाई के साथ जा रहा है तो उसने कहा जल्दी आया ना वापस क्या स्टोरी थी स्टोरी जो उसकी पीछे की थी कि भगवान जब उसके पास गए तो इसकी शादी होने वाली थी एंड ही वाज एंगेज्ड टू दैट गर्ल एंड वो जब वहाँ गए उसको तो उसने उसको अपना भिक्षा पात्र पकड़ा दिया कि चलो मेरे साथ वो समझा नहीं उसने कहा कह रहे हैं साथ चलो तो चल पड़ा ही सेड वो कह रहे हैं कि उठा ले भाई तू मेरा छोटा भाई है उठा ले चल पड़ ही डिडंट रियलाइज कि साथी ने भिक्षा पात्र उठा लिया नहीं पात्र उतार लिया वो सोचा था आप कहेंगे मुझे दे तू जा जब तक वो नहीं कहेंगे तब तक वो जाएगा नहीं तो वो चलते तो ये भी बात थी ना तो भगवान को उसको 500 का घूस इसलिए भी देना पड़ा क्योंकि वो सोच रहा होगा कि भगवान ने मेरा चीटिंग चीटिंग की इट इज ट्रू और चीटिंग भी तो हुई थी ये भी बात भी है कुछ काफी हद तक ये भी बात है ये भी बात है तो उन्होंने राहुल के साथ भी राहुल का साथ तो राहुल तो पीछे पड़ गया पीछे पड़ गया था बट पकड़ा उसको भी अब नहीं उन्होंने तो फिर फॉर्मली सारे पुत्रों का इसको तो सारिपुत्र वाज इज प्री सेक्टर गिव मी माय इनहेरिटेंस उसने तो अपनी वो हिंदी में क्या कहते हैं इनहेरिटेंस को ये उत्तराधिकार हां विरासत मुझे विरासत चाहिए अपनी मिट्टी लेके गया था वो पीछे ही पड़ गया मुझे विरासत दो विरासत तो और दूसरी था वो पूरा चीवरे दे दिए वो भी सारिपुत्र के नाउ द स्टोरी मेक्स सेंस नाउ दिस होल स्टोरी मेक्स सेंस So Rajendra, Shweta ji is saying that the Lord gives guidance to just those close to Arunship. ऐसा तो नहीं होता होगा, right? Mostly तो ऐसा ही आया. But others, there are so many other Arhants available for all others. After all, जो गृहस्थ लोग थे उनको भी तो देते ही थे ना जैसे अनाथ पिंडक था विशाखा थे वो आए तो सेम शुदा पन्नस बट सो लॉर्ड कुड सी बाय हिज डिवाइन आई दैट द पर्सन इज रेडी फॉर एंटरिंग द स्ट्रीम ऑफ लिबरेशन एंड देन गिव हिम अप्रोप्रिएट एडवाइस